मन की बात कार्यक्रम रे देशवासी को प्रधानमंत्री को संबोधन देशर समुद्र कूल को परिष्कार रखा को प्रधानमंत्री गुरुत्व ओडिशार युवक समुद्र कूल सफा करिवार उदाहरण देले प्रधानमंत्री चिता फेरिबा परे देशवासी को भितरे उत्साह देश कर्तव्य पथरे नेताजी को स्मरण करिछि 28 सेप्टेम्बर रे प्रत्येक युवा भगत सिंह को मन पकाइबे शिक्षा नीति रे साइन भाषा को स्थान मिलिछि पार्वण रे लोकल फॉर वोकल संकल्प नेबा को आह्वान देले मोदी 93वां मन की बात कार्यक्रम रे देशवासी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संबोधन मन की बात रे ओडिशा युवशक्ति कथा मध्य उठाई प्रधानमंत्री देशर समुद्र कूल को परिष्कार रखा को प्रधानमंत्री गुरुत्व देइतिबा बेले ओडिशार युवक समुद्र कूल सफा करिवार उदाहरण देइथिले गोवा काकीनाडा समुद्र तट को परिष्कार करिवार अनेक कार्यक्रम करा जायछि सेहिपरि ओडिशार मध्य समुद्र तटरे स्कूल पिला माने समुद्र कूल को सफा करिवा नै उत्साह देखाइछन्ति जहां एक प्रेरणार विषय बोली कहिछन्ति प्रधानमंत्री यहां में देश के तटीय क्षेत्रों में कोस्टल क्लीनिंग की एक कोशिश स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर इसके बारे में बात करना चाहूंगा 5 जुलाई को शुरू हुआ यह अभियान बीते 17 सितंबर को विश्वकर्मा जयंती के दिन संपन्न हुआ इसी दिन कोस्टल क्लीनअप डे भी था आजादी के अमृत महोत्सव में शुरू हुई यह मुहिम 75 दिनों तक चली इसमें जन भागीदारी देखते ही बन रही थी इस प्रयास के दौरान पूरे 2.5 महीने तक सफाई के अनेक कार्यक्रम देखने को मिले गोवा में एक लंबी ह्यूमन चेन बनाई गई काकीनाडा में गणपति विसर्जन के दौरान लोगों को प्लास्टिक से होने वाले नुकसान के बारे में बताया गया एनएसएस के लगभग 5000 युवा साथियों ने तो 30 टन से अधिक प्लास्टिक एकत्र किया ओडिशा में 3 दिन के अंदर 20,000 से अधिक स्कूली छात्रों ने प्रण लिया कि वे अपने साथ ही परिवार और आसपास के लोगों को भी स्वच्छ सागर और सुरक्षित सागर के लिए प्रेरित करेंगे मैं उन सभी लोगों को बधाई देना चाहूंगा जिन्होंने इस अभियान में हिस्सा लिया चीता फेरिबा परे देशवासी खुशी अछंती चीतांको नजर रखिबा को एक टास्क फोर्स मध्य गठन होईछि सेही परि 28 सेप्टेम्बर रे प्रत्येक युवा भगत सिंह को मने पकाइबे चंडीगढ़ विमान बंदर रा नाम भगत सिंह को नाम रे रहिबो बोली कहिछंती प्रधानमंत्री देश के कोने कोने से लोगों ने भारत में चीतों के लौटने पर खुशियां जताई है 130 करोड़ भारतवासी खुश है गर्व से भरे हैं यह है भारत का प्रकृति प्रेम हम भारत माँ के वीर सपूत भगत सिंह जी की जयंती मनाएंगे भगत सिंह जी की जयंती के ठीक पहले उन्हें श्रद्धांजलि स्वरूप एक महत्वपूर्ण निर्णय किया है यह तय किया है कि चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम अब शहीद भगत सिंह जी के नाम पर रखा जाएगा देशरे साइन लैंग्वेज को नहीं अनेक पदक्षेप निया जायछि शिक्षा नीति रे दिव्यांग साइन भाषा को स्थान मिलितिबा कहिछन्ति प्रधानमंत्री साइन भाषा ट्रेनिंग द्वारा दिव्यांग को अनेक फायदा मिल परिछि यानी 23 सितंबर को साइन लैंग्वेज डे पर कई स्कूली पाठ्यक्रमों को भी साइन लैंग्वेज में लॉन्च किया गया है साइन लैंग्वेज के तय स्टैंडर्ड को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी काफी बल दिया गया है साइन लैंग्वेज की जो डिक्शनरी बनी है उसके वीडियो बनाकर भी उनका निरंतर प्रसार किया जा रहा है YouTube पर कई लोगों ने कई संस्थानों ने इंडियन साइन लैंग्वेज में अपने चैनल शुरू कर दिए हैं यानी 7-8 साल पहले साइन लैंग्वेज को लेकर जो अभियान देश में प्रारंभ हुआ था अब उसका लाभ लाखों मेरे दिव्यांग भाई बहनों को होने लगा है आसंता कालीठारु नवरात्र आरंभ हेउतिबा बेले पार्वण रे लोकल फॉर वोकल संकल्प नेबा को देशवासी को आह्वान करिछन्ति प्रधानमंत्री पूजा रे पॉलिथिन मुक्त भारत को मध्य गुरुत्व दिछन्ति सेहि परि 2025 सुद्धा देश टीबी मुक्त हेबो बोली कहिछन्ति प्रधानमंत्री मोदी ब्यूरो रिपोर्ट आजादी के दीवानों को एक सच्ची श्रद्धांजलि हो